हम आपको बताएंगे ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग और ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य। तो यहाँ हमारे पास एक ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इस टाइप का आपके पास कोई भी ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आता है तो आप हमारे वीडियो को देखकर ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिपेयरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ इसकी वायरिंग करने के लिए ज्यादा टेक्नीशियन को डाउट कहाँ पर होता है कि ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में इस टाइप का जब ऑटो ट्रांसफार्मर कभी 9 तार का, कभी 10 तार का, 11 तार का, 12 तार का और कभी कभी यही ऑटो ट्रांसफार्मर 13 वायर में हमें कनेक्शन के लिए मिल जाता है तो हम वहां पर ज्यादा डाउट में रहते हैं कि इस टाइप के ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर का वायरिंग कैसे करें। तो आइए आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर 13 वायर की वायरिंग करके आपको दिखाते हैं। यहां पर मैंने डायग्राम को पहले से ही बना दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहां आप देख सकते हैं मेन ऑटो ट्रांसफार्मर हमने 13 वायर के साथ बाकी कंपोनेंटों को किस तरह से हम जोड़े हैं। तो चलिए पहले इन कंपोनेंटों का हम परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी वायरिंग बताएंगे, फिर स्टेबलाइजर का वर्क आपको बताएंगे कैसे ये कार्य करता है। तो चलिए यहां पर मैं आपको सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच के बारे में बताता हूं। ये हमारी ऑन ऑफ स्विच है, ये स्टेबलाइजर को ऑन और ऑफ कराने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे ये आपका आउटपुट सॉकेट है जहां से स्टेबलाइजर वोल्टेज आउट करता है, ये आउटपुट सॉकेट है। इसके अलावा आप देखेंगे ये हमारा वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर आपको कोई भी किसी भी मॉडल का अगर मिल जाता है, वोल्टमीटर का कार्य केवल इतना होता है कि स्टेबलाइजर कितनी सप्लाई निकाल रहा है ये उसकी रीडिंग करता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे दो प्रकार की एलईडी लगी होती है। यहाँ पर दो प्रकार की एलईडी में आपको एक मिल जाएगा रेड एलईडी और दूसरा मिल जाएगा ग्रीन एलईडी। तो रेड एलईडी का काम क्या होता है कि जब स्टेबलाइजर का इनपुट सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो रेड एलईडी जल जाती है और जब हमारे स्टेबलाइजर में सप्लाई सामान्य होती है तो उस समय केवल ग्रीन एलईडी जलती है। दोनों एलईडी को कार्य कराने के लिए यहाँ पर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होता है, नहीं तो आपकी एलईडी खराब हो जाती है। यहाँ पर 100 किलो ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस आप लगाएंगे नहीं तो आपकी एलईडी खराब हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे ये आपका डीपीडीटी स्विच है, ये डीपीडीटी स्विच है। डीपीडीटी स्विच में आप यहाँ देखेंगे कनेक्शन के लिए 4 पिन ऊपर है और 4 पिन नीचे है। स्विच को जब हम ऊपर नीचे कराते हैं तो ये स्टेबलाइजर में वोल्टेज को अप और डाउन कराता है। इसके अलावा आप यहां देखेंगे ये आपका रोटेटरी स्विच है। तो ये रोटेटरी स्विच का कार्य क्या होता है यहां पर हम आपको बताएंगे। यहां पर रोटरी स्विच पहले आप ये जान लीजिए, ये रोटेटरी स्विच 1 वे 8 पोल की स्विच होती है, अर्थात इसमें कनेक्शन के लिए कुल 9 पिनें होती हैं। तो 9 पिन में इसमें देखेंगे राउंड में 8 पिनें होती हैं और इसके बीच में, यहाँ बीच में इसकी कॉमन पिन होती है। तो इस तरह से रोटरी स्विच का काम क्या होता है, ये वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये आप देखेंगे रिले लगा होता है, ये आपका रिले है और ये रिले को कार्य कराने के लिए आप देखेंगे ये छोटा सा कार्ड लगाया गया है, इसको हम ऑटो कट कार्ड या सर्किट रिले ऑटो कट सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं। तो रिले हमारा अलग होता है, ये आप देख सकते हैं ये कार्ड से रिले अलग होता है, लेकिन कुछ कार्ड ऐसे आते हैं कि जिनके साथ इनबिल्ड होता है। यहां जिसे आप देखेंगे इस कार्ड में ये रिले इनबिल्ड है, तो यहां पर कार्ड के साथ मैंने रिले को जोड़ दिया है। आपको एक साथ भी मिल जाएगा तो भी आप जोड़ सकते हैं और अलग से अगर रिले लगा है तो भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पहले इसको जोड़ दूं फिर इसका आपको कार्य बताता हूं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि जब हमारा सर्किट अलग होता है और रिले अलग होता है तो हम आपको अभी इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं। इसके अलावा अलग से अगर आपको इस टाइप का कोई रिले मिल जाता है, या आप देख सकते हैं, तो इस टाइप के रिले में एनसी ओसी और कॉमन की पहचान कैसे करें हम आपको इसे अपने दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल करके बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको बता दें इस सर्किट में लगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर के वायर के बारे में। तो वायर में आपको हम बता दें इसके 1 से 8 नंबर का जो ये तार लगातार निकला होता है ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग होती है जिसका कनेक्शन हम रोटेटरी स्विच से करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये 2 तार इसमें अलग होता है, तो ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है और यहां पर आप देखेंगे इसमें 909 अर्थात 3 तार की बाइंडिंग आपको मिल जाएगी। तो ये ट्रिगर वोल्टेज यहां से निकलता है जिससे हमारा ये सर्किट कार्य करता है।
तो चलिए अब हम आपको बता दें इसकी वायरिंग के बारे में कि ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में वायरिंग कैसे आप करेंगे। तो ज्यादा टेक्नीशियन को डाउट यहां पर हो जाता है कि जब उनको रोटरी स्विच और मेन ऑटो ट्रांसफार्मर को जोड़ना होता है, क्योंकि इसमें कई तार होते हैं मेन ऑटो ट्रांसफार्मर में। रोटरी स्विच में आप देखेंगे तो इसमें भी 8 पिने होती हैं और कॉमन को लेकर 9 पिन हो जाएगा। तो यहां पर रोटरी स्विच में आप देखेंगे कि इसमें नंबर बड़ा होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई नंबर नहीं होता है। बस एक जानकारी के लिए मैं यहां पर नंबर डाल दिया हूं। अब आप जब कभी आप इसे जोड़िएगा तो इसके किसी किनारे वाले से आपको एक नंबर मान लेना है, चाहे यहां से मान लो चाहे यहां से मान लो, और सीरियल वाइज आप रोटरी स्विच पे आप इस तार को जोड़ दीजिए। और यदि आप वोल्टेज को, बाय द वे आप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वोल्टेज हमारा बढ़ाएं तो घट जाए और घटाएं तो बढ़ जाए, तो ऐसा गलत नहीं होगा। हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आपको सीरियल वाइज केवल इससे जोड़ देना होता है, उसके बाद क्या होगा, अगर वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं, डाउन हो रहा है या डाउन कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो इस स्विच में दो पेच लगा होता है, इसी को आपको खोल के पलट देना होता है, आपका कनेक्शन इस तरह से सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेन ट्रांसफार्मर से रोटरी का कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर स्विच को नहीं पलटना चाहते हैं तो वायर को जैसे आपने यहां एक माना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को खोलकर फिर से चेंज करके जोड़ देंगे तो भी आपका कनेक्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया मेन ट्रांसफार्मर से रोटरी स्विच का कनेक्शन आप कैसे करेंगे। बाकी वायरिंग को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से यहां पर बताएंगे कि एक बार अगर आप वायरिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी दूसरे के काउंटर पर वायरिंग के लिए मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम वायरिंग को अब यहां जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर में मेन लीड में दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल सप्लाई कहां कहां देना है इसको आप जान लीजिए, उसके बाद हम फेज सप्लाई को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल तार को जोड़ने जा रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं ये जो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है, ये न्यूट्रल सप्लाई सीधे आपका आउटपुट सॉकेट के किसी एक पिन से जोड़ देंगे। लेकिन सिद्धांत के अनुसार अगर आप समझना चाहते हैं तो आउटपुट सॉकेट में न्यूट्रल लिखा होता है, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल पे जोड़ेंगे, फिर उसके बाद उस तार को वहां से निकाल करके वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर से एक तार निकालकर दोनों एलईडी के एक एक पिन को आपस में ऐड कर वहां पर एक तार जोड़ देंगे, और यही न्यूट्रल आपका यहां से निकलेगा। और ये न्यूट्रल यहां से निकल करके मेन ऑटो ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे प्राइमरी का एक तार आपको जोड़ना है। अब इसमें जैसे आप न्यूट्रल की वायरिंग कर देते हैं, आपको न्यूट्रल और कहीं नहीं जोड़ना है, अब आपको क्या करना है, फेज सप्लाई। तो यहां से फेज सप्लाई कैसे आपको स्टेबलाइजर में देना है, इसके लिए ये फेज तार को आपको ऑन ऑफ स्विच पे देना है। और ऑन ऑफ स्विच में जब आप फेज देते हैं तो जैसे स्विच को ऑन करते हैं इसके दूसरे पिन से फेज निकलेगा। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि कुछ वोल्टेज स्टेबलाइजर में स्विच नहीं होता, तो डायरेक्ट फेज यहां से लीजिए मेन लीड से, और फेज को लेकर के कैसे कैसे ये जहां जा रहा है रोटरी स्विच के कॉमन से, आपको फेज सप्लाई को सीधे कॉमन से जोड़ देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। तो फेज आप जान चुके हैं कि फेज हमारा कहां आ गया, रोटरी स्विच के कॉमन पे। तो यहां पे कॉमन लिखा हुआ है, रोटरी स्विच के कॉमन से आपको फेज जोड़ देना है। इसके बाद रोटरी के एक और आठ से आपको दो एक्स्ट्रा वायर निकाल लेना है, और दोनों वायर को यहां से निकाल कर, यहां मैं आपको बताया हूं डीपीडीटी स्विच में आपको ये दोनों तार यहां किनारे वाले पिन से जोड़ देना है। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि किनारे वाले पिन से हम जोड़ें तो कौन तार किस पे जोड़े, आप बिल्कुल निसंदेह होकर के चाहे जो चाहे जिसमें जोड़ दीजिए। अरे भाई क्या होगा, अब करोगे डाउन होगा, डाउन करोगे अप होगा, बाकी कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। और जब हमको इस तरह से लगेगा तो हम दोनों वायर को बाद में भी आपस में पलट सकते हैं। तो किनारे पर जैसे आप जोड़ देंगे, तो ये डीपीडीटी स्विच जब आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो मार्केट से जब ये डीपीडीटी स्विच आप खरीद के लाओगे तो यहां आप देख सकते हैं कि 8 पिन में 4 ऊपर है और 4 नीचे है।
आपको करना क्या होता है, जैसे आप बाजार से खरीद के लाए हैं तो इसकी दोनों बीच वाली पिन देखेंगे तो यहां जम्पर लगा हुआ है अलग अलग, आपको ऐसे सीधा सीधा इनके नीचे और ऊपर पिनों को आपस में जोड़ देना है। तो आप देखेंगे किनारे दो पिन खाली और इधर किनारे दो पिन खाली, तो जिस पे आपने जम्पर जोड़ दिया है वो इसका कॉमन पिन कहलाएगा। तो चलिए यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें आपको करना क्या है, कि जब आप किनारे वाले पिन से एक और आठ का तार जोड़ दिए तो ये बीच वाला पिन आपका ये कॉमन हो गया, और कॉमन से आपको दो जगह ये तार भेजना है। तो कॉमन से जो सप्लाई निकलेगी तो ये सप्लाई आएगी कहां से, जब हम स्विच को ऊपर नीचे करते हैं तो इसके एक और आठ की सप्लाई इसके कॉमन से निकलती है। तो जब इसके एक और आठ की सप्लाई इसके कॉमन से निकलती है तो उस सप्लाई को कहते क्या है, स्टेबलाइज वोल्टेज। क्योंकि स्टेबलाइज वोल्टेज क्या होता है कि जब हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर फेज सप्लाई को पाता है और उसके माध्यम से जब कोई सप्लाई को अप डाउन कराई जाती है तो वो आउट होने वाली सप्लाई को स्टेबलाइज वोल्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से इसके कॉमन से स्टेबलाइज वोल्टेज निकलेगा और यहां से आपको दो जगह सप्लाई भेजना होता है। इसके आप देखेंगे ऊपर वाले पिन से और एक नीचे वाले पिन से दो तार दो जगह गया है, यहां से ऊपर चला गया है, यहीं से नीचे चला आ रहा है। आप चाहे तो ये वाला तार और ये वाला तार दोनों को आपस में ऐड कर एक स्थान से जोड़ दीजिए और एक पिन खाली छोड़ दीजिए तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए अब इस पिन से हम स्टेबलाइज वोल्टेज को निकाल रहे हैं और मेन ऑटो ट्रांसफार्मर पे हमने यहाँ पे न्यूट्रल पहले दिया था तो यहाँ पर हम स्टेबलाइज वोल्टेज दे देते हैं। तो इस तरह से इसके प्राइमरी में आपका स्टेबलाइज वोल्टेज और न्यूट्रल सप्लाई आ जाती है और उसी समय आपका वही स्टेबलाइज वोल्टेज आप देखेंगे तो यहाँ आपका जो रिले लगा होता है इस रिले के कॉमन को सप्लाई मिल जाती है। तो ये इसका कॉमन देख रहे हैं कि ये बीच में होता है। तो रिले में जैसे स्टेबलाइज वोल्टेज आता है तो उस समय रिले अपने कार्य के अनुसार कॉमन की सप्लाई को किससे निकालता है, यंसी से निकालता है। अगर आप मार्केट से कोई रिले खरीद के लाते हैं तो उस समय उसका कॉमन यंसी से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके कॉमन पर जितनी सप्लाई आ रही है वो सब इसके यंसी से निकलेगा और यंसी से निकल करके वो सप्लाई आपके आउटपुट सॉकेट में आएगा। वहीं से एक तार आपको वोल्टमीटर का जोड़ देना है और फिर यहीं से एक तार आपको सीधे ले जाकर के ग्रीन एलईडी से जोड़ देना है। तो इस तरह से आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर की ये कंप्लीट वायरिंग हो जाएगी। लेकिन अभी आपको यहां पर कुछ वायरिंग और करना होता है, वो कौन सी वायरिंग है मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से तो वोल्टेज तो स्टेबलाइजर से निकलने लगा लेकिन जब आपके घर की सप्लाई बढ़ जाती है तो उस समय क्या होता है कि ये रिले आपका यंसी को छोड़कर उसी से जुड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये ऑटो कट सर्किट कार्य करती है और ऑटो कट सर्किट कब कार्य करती है, जब यहां आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर जो आपका है मेन ऑटो ट्रांसफार्मर, जब इसका वोल्टेज बढ़ जाता है तो ट्रिगर वोल्टेज यहां से निकलता है और ट्रिगर वोल्टेज यहां से निकलता है। तो जैसे वहां से ट्रिगर वोल्टेज निकलता है ऑटो कट सर्किट में आता है, रिले काम करता है और इसका कॉमन यंसी को छोड़ देता है। तो कॉमन पर आ रही सप्लाई इसके ओसी से निकलती है और ओसी से सप्लाई निकल करके सीधे ऑटो कट एलईडी में चली जाती है। ऑटो कट एलईडी मतलब रेड एलईडी में चली जाती है। तो स्टेबलाइजर में केवल लाल बत्ती जल जाता है और उस समय उसके आउटपुट सॉकेट वोल्टमीटर और हरी बत्ती में सप्लाई नहीं आती। तो मैं अब आपको बताता हूं इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे कार्य करता है। तो कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ऑटो कट सर्किट का कार्य बताते हैं। तो ऑटो कट सर्किट का कार्य क्या होता है, ये कैसे कट जाता है, इसको सप्लाई कहां से मिलती है, इसमें कौन कौन से फंक्शन एक्टिव होते हैं जिससे हमारा रिले कट जाता है, ये जान लीजिए कि जैसे आपके घर की इनपुट सप्लाई बढ़ती है तो पूरे स्टेबलाइजर का वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन क्षणिक समय नहीं लगता, ये रिले हमारा तुरंत कट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बताएंगे आपको। यहां देख सकते हैं कि उस समय जो वोल्टेज आपके घर में बढ़कर आता है तो उसी दौरान ये जो ट्रिगर वोल्टेज यहां से निकल रहा है, यहां देखेंगे इस ट्रांसफार्मर में ट्रिगर वोल्टेज के लिए तीन तार बनाया गया है। तो जो ये तीन तार बनाया गया है इसका कोई किनारे वाला एक तार आपको सीधे कहां से जोड़ना होता है,
ऑटो कट सर्किट बोर्ड से। तो जैसे आप इसके ऑटो कट सर्किट बोर्ड से एक तार जोड़ देते हैं तो इसमें बचा क्या तार, दो तार। और ये दोनों वायर आपको कहां ले जाना है, ये दोनों वायर आपका सीधे निकलेगा और निकलने के बाद ये जो आपने डीपीडीटी स्विच लगाया है इसका देखेंगे ये दोनों किनारे वाली पिन खाली है। और जब इसके दोनों किनारे वाले पिन से आप इस दोनों वायर को जोड़ेंगे तो इसके बीच वाले से, इन दोनों में से कोई एक सप्लाई इसके बीच वाले से निकलेगी, तो इस तरह से यहां से आपको फिर एक तार जोड़ करके अपने ऑटो कट सर्किट का कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह से जब आप इस ऑटो कट सर्किट का तार जोड़ देते हैं तो जैसे इस ऑटो कट सर्किट का तार जोड़ते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके इस ऑटो कट सर्किट में जैसे सप्लाई आती है, कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई आती है, तो ये कार्ड उस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है। और डीसी सप्लाई आपके इस कार्ड में कैसे कार्य करती है तो आप जान सकते हैं, ये दोनों डायोड उस एसी सप्लाई को धन डीसी बना देते हैं। यहां पर आ जाती है, यहां पर आप जानेंगे यहां पर धन सप्लाई आ जाती है। और ये जब धन सप्लाई यहां आती है तो जैसे यहां पर धन सप्लाई, आप जाने यहां पर धन सप्लाई आ रहा है, तो उस समय अगर इस क्वाइल में यहां माइनस वोल्ट सप्लाई आ जाएगा, तो जैसे यहां पर माइनस वोल्ट सप्लाई आएगा इस रिले में मैग्नेट उत्पन्न होगा, और जैसे ही यहां पर मैग्नेट उत्पन्न होगा तो ये रिले कटेगा। तो मैं आपको बता दूं यहां माइनस वोल्ट सप्लाई कैसे बनकर तैयार होती है, तो जान लीजिए कि जब आपके घर की सप्लाई बढ़ जाती है तो धन तो यहां आ जाता है और उसी समय ये डायोड भी धन पास करता है। तो ये धन सप्लाई आपका 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस के द्वारा प्रीसेट में आता है। तो जैसे यहां प्रीसेट में आता है धन, तो इधर से नेगेटिव सप्लाई प्रीसेट को मिल जाता है, और जितने वोल्ट पर हम इसको ट्यून करके छोड़ देते हैं उससे ज्यादा सप्लाई जब आती है तो प्रीसेट से वह सप्लाई बढ़ करके जैसे ही जीनर डायोड के कैथोड पर आता है, तो जीनर डायोड की विशेषता होती है कि जब ये अपने मान से अधिक सप्लाई को पाता है, तो जैसे ही अपने मान से अधिक सप्लाई को ये पाएगा तो ये अपने एनोड से उस सप्लाई को पास करेगा, और पास करके जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस को देगा, यहां ट्रांजिस्टर लगा है इसके बेस पर जैसे बढ़ी हुई सप्लाई आएगी और जैसे इसके बेस का वोल्टेज बढ़ेगा तो उस समय ट्रांजिस्टर कार्य के अनुसार फंक्शन करेगा। और फंक्शन में क्या होगा कि आप देख रहे हैं इसके इमीटर पर निगेटिव सप्लाई आ रही है, तो उस समय बेस का वोल्टेज जैसे बढ़ेगा तो इमीटर के निगेटिव इसके कलेक्टर पर आ जाएगा, अर्थात यहां पर माइनस वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। अब आप इसको जान लीजिए, यहां पर माइनस वोल्ट सप्लाई आपको मिल जाएगा, तो यहां प्लस यहां माइनस, इस तरह से प्लस माइनस की सप्लाई यहां पर आते ही रिले के अंदर कंपनी ने कुछ इस तरह से टेक्निक उपयोग किया है कि जैसे इसमें मैग्नेट बनता है उस समय इसका कॉमन एनसी को छोड़ देता है और इसका कॉमन ओसी से जुड़ जाता है। अर्थात ये क्यों हो रहा है, मैग्नेट बनने के परिणाम स्वरूप इसमें इसका कॉमन एनसी को छोड़ दिया और ओसी से जुड़ गया। तो इस तरह से स्टेबलाइज वोल्टेज जितना इसके एनसी से निकल रहा था अब इसके कॉमन से निकले, सॉरी इसके ओसी से निकलेगा और ओसी से निकल करके रेड एलईडी में आ जाएगा। इस तरह से आपके स्टेबलाइजर में रेड एलईडी ऑन हो जाती है। तो रेड एलईडी जब ऑन हो जाती है तो उस समय आउटपुट सॉकेट, वोल्टमीटर और ग्रीन एलईडी की लाइट यहां पर कट जाती है, जिससे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता, मीटर रीडिंग नहीं करता और ग्रीन एलईडी भी नहीं जलती। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर में कैसे वोल्टेज बढ़ जाता है, तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, और वोल्टेज घट जाता है तो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले आपको बता देता हूं इस ट्रांसफार्मर के फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में हम आपको तो बताएंगे ही, लेकिन वायर, इसमें जो वायर निकले होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए, एक बार फिर से जान लीजिए कि इसमें वायर की पहचान आप कैसे करेंगे।
तो वायर की पहचान के लिए इसमें एक से लेकर आठ नंबर का वायर देखेंगे तो ये लगातार होता है, इन सभी वायर की कंटिन्यूटी आपस में अलग बताएगा। और जब प्राइमरी की आप पहचान करना चाहेंगे तो दो तार इसमें अलग होगा और फिर तीन तार की कंटिन्यूटी आपस में बताएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और तीन तार आपस में बताएगा तो हम समझ जाएंगे ये ट्रिगर वोल्टेज के लिए है, और दो तार के बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम बताएगा तो ये हम समझ जाएंगे कि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इस तरह से आप वायर की पहचान कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए जब हमारे घर की सप्लाई बढ़ती है तो उसी दौरान फेज सप्लाई इस रोटरी स्विच के कॉमन पे आता है। तो रोटरी स्विच को उस समय हम किसी नंबर पर घुमाकर छोड़ दिए होते हैं, जैसे रोटरी स्विच को किसी ना किसी नंबर पे तो आप सेलेक्ट करके रखेंगे ही, तो उस दौरान जिस पे भी ये सेलेक्ट होगा उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो मैं इसको पांच नंबर पे सेलेक्ट कर देता हूं। तो बताइए आपके घर की सप्लाई बढ़ गई है या घट गई है, तो उस समय आपका सप्लाई आ गया इसके पांच नंबर पे। तो जब पांच नंबर पे वोल्टेज आ जाता है, चाहे घट गया जाए या बढ़ गया रहा है, क्योंकि हमें समझना है ट्रांसफार्मर का कार्य। तो ये वोल्टेज जब इसके पांच नंबर पे आएगा तो ट्रांसफार्मर का पिन नंबर चार जुड़ा होता है। तो इस प्रकार मेन सप्लाई आपकी इसके बाइंडिंग नंबर चार में आ गया। तो जब इसके बाइंडिंग नंबर चार में आ गया तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब किसी क्वाइल में कई लूप बाहर निकले होते हैं तो उस ट्रांसफार्मर के किसी एक लूप पर जब हम सप्लाई देते हैं तो बाकी वाइंडिंग जो बाहर की होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांत वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार इसके आठ नंबर का वोल्टेज बढ़ जाता है। और यहां पर आप जान लीजिए कि जब हम यहां चार नंबर पर बढ़ा हुआ या घटा हुआ कोई वोल्टेज देते हैं फेज सप्लाई, तो दी गई सप्लाई के नीचे की क्वाइल में ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपने तीन दो और एक का वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांत ये वोल्टेज को यहां पर घटा कर देता है, अर्थात यहां पर डाउन वोल्टेज आ जाता है। और यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर आपका अप सप्लाई अर्थात बढ़ी हुई सप्लाई आ जाती है। तो ये डाउन वोल्टेज आपका यहां से निकल करके सीधे चला जाता है। आप यहां देखेंगे ये डाउन वाला वोल्टेज आ जाता है यहां नीचे वाले पिन पर। इसलिए हमेशा जहां भी ये डीपीडीटी स्विच या आप देखेंगे एसपीडीटी स्विच या टू वे स्विच लगी होती है वहां पर नीचे की साइड में लिखा होता है डाउन और ऊपर की साइड में क्या लिखा होता है अप, इस तरह से। तो यहां पर डाउन इसलिए लिखा है क्योंकि डाउन वोल्टेज यहां रहा है, यहां से आप देखेंगे तो यहां इसलिए डाउन लिखा जाता है। अब वोल्टेज इसके आठ नंबर पे है तो बढ़ा हुआ वोल्टेज यहां आया, तो इस तरह से ये बढ़ा हुआ वोल्टेज डीपीडीटी स्विच के इस पिन पे आया तो इसलिए यहां पर अप लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको 13 वायर में ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग और वर्क आपको समझ में आ गया होगा।